हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी को कक्षा 10 के विज्ञान का विद्युत चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, जिसमें आप सभी को बोर्ड के एग्ज़ाम में हर साल पूछे जाने वाला प्रतिरोध का संयोजन आप सभी को सिखाएंगे, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। आपको सबसे सिंपल तरीका से सिखाएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि आपको इस टॉपिक से बहुविकल्पी प्रश्न कैसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका क्या है, प्रतिरोध का संयोजन। अब इस प्रतिरोध का संयोजन आपको कैसे करना है, देखिए प्रतिरोध का जो संयोजन है और जो कक्षा 10 में है, जो आपको पढ़ना है, दो पढ़ना है, एक श्रेणी क्रम में एक समांतर क्रम में, ये हर साल बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इस पर कभी कभी फार्मूला आपको सिद्ध करने के लिए दे देता है, कभी कभी इस पर आपको सवाल पूछ लेता है, कभी कभी यहाँ से आपके बहुविकल्पी प्रश्न पूछ लेता है। देखिए आप इसको कैसे हल करेंगे, बहुत सिंपल तरीका होता है, बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए पहले हम यहाँ पर हल करते हैं श्रेणी क्रम। ठीक है, श्रेणी क्रम में देखिए कैसे आप हल करेंगे। चलिए आपको पहले प्रतिरोध को जोड़ के बता रहे, श्रेणी क्रम देखिए कैसे जोड़ा जाता है। इस तरह तीन प्रतिरोध को आप क्या करेंगे, तीन प्रतिरोध दीजिए और इस तरह आपस में एक क्रम में जोड़ लीजिए और इसको क्या करेंगे, एक बैटरी के द्वारा इस तरह आप जोड़ लीजिएगा इसको। जब ये जोड़ेंगे देखिए ये वोल्टेज हो जाएगा। यहाँ पे प्रतिरोध जो अलग अलग है इसका नाम दीजिए R1, R2, R3 और इसमें जो धारा बहेगा क्या बहेगा आपका, I बहेगा। ठीक है, देखिए इतना चीज आप जानिए, जब इस प्रकार से प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो इसे बोला जाता है श्रेणी क्रम। अब इसमें देखिए जो पॉइंट लिखेंगे उसको ध्यान से देखिएगा, लेकिन लिखने से पहले यहाँ पे बैटरी के बारे में आप कुछ चीज़ बता देते हैं। देखिए जो बड़ा वाला ये रहता है ना पाई, ये आपका प्लस दिखाता है और जो छोटा वाला रहता है ये किसको दिखाता है, माइनस को दिखाता है। इतना चीज़ क्लियर हो गया आपका, जब ये क्लियर हो गया तो चलिए यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखते हैं, इसको जरूर याद रखिएगा और ये बताते हैं कि बहुविकल्पी प्रश्न आपसे कैसे पूछा जाता है। देखिए क्या होता है, आप लिखिएगा श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में धारा समान होती है और यही से इस लाइन से एक नंबर का बहुविकल्पी आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछता है, यही पूछता है कि श्रेणी क्रम में आपका क्या समान होता है, तो धारा समान होती है, यही लाइन आपके बहुविकल्पी में पूछा गया है। अगला देखिए, श्रेणी क्रम में, क्रम में वोल्टेज जो होता है आपका भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है, यह भी आपके पेपर में पूछा गया है कि श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध को जोड़ा जाता है उसमें क्या भिन्न भिन्न होता है, तो आपका वोल्टेज क्या होता है, भिन्न भिन्न। और ये दोनों लाइन आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुविकल्पी के रूप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों लाइन को इंपॉर्टेंट आप कर लीजिएगा। देखिए इस फार्मूला को सिद्ध करना है तो आप सिद्ध कैसे करेंगे, सिद्ध करने से पहले इसके बारे में कुछ आप लिखेंगे। देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए अब देखिए यहाँ पे लिखिए वोल्टेज भिन्न भिन्न होता है, इसका मतलब देखिए वोल्टेज ये है, देखिए R1 के क्रॉस V1 वोल्टेज होता है, R2 के क्रॉस V2 होता है और R3 के क्रॉस V3 होता है, ये वोल्टेज अलग अलग होते हैं। जबकि धारा जो होता है, देखिए धारा ये पर रहती है, इस परिपथ में धारा यही होगा, यहाँ भी धारा सेम होगा और यहाँ भी धारा भी I समान रहता है, धारा एक समान ही रहता है इसमें। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे कि परिपथ में, परिपथ परिपथ में तीन प्रतिरोध, प्रतिरोध जो लिख रहे हैं इसी को लिख लीजिएगा आप, तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, क्रम में जुड़े हैं, ये श्रेणी क्रम में जोड़ दिए। अब इसके बाद क्या लिखना है आपको कि इसमें धारा देखिए समान है तो धारा तो आप लिख चुके हैं, लेकिन आपका वोल्टेज क्या है अलग अलग है, यहाँ लिखिएगा प्रत्येक प्रतिरोध, प्रत्येक प्रतिरोध, प्रतिरोध कि एक क्रॉस वोल्टेज देखिए V1 है कामा V2 कामा V3 है, इतना चीज लिख लीजिए। और परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ या लिख सकते हैं परिपथ नहीं, यहाँ लिख सकते प्रत्येक प्रतिरोध में, प्रत्येक प्रतिरोध में, प्रतिरोध में धारा I प्रवाहित होता है, प्रवाहित होता है।
ठीक, एकदम सिंपल तरीके से सिखाया, इतना चीज़ लिख लिए। अब जब इतना चीज़ जब आप लिख लिए, तो अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे आपका वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज होगा ये V1, V2 और V3 के योग के बराबर होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि कुल वोल्टेज क्या हो जाएगा आपका, कुल वोल्टेज क्या लिखेंगे, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा, या कुल वोल्टेज हो गया आपका V1 V2 V3। अब क्या होता है, अब लिखेंगे ओम के नियम से। अब ओम का नियम क्या होता है, देखिए यहाँ पे ओम का नियम जो होता है V=IR होता है, ये ओम का नियम होता है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है कि जहाँ पे भी है वहाँ पे IR रख सकते हैं आप, ठीक। जहाँ पे V1 है वहाँ पे IR1 लिखेंगे, देखिए V1 के अक्रॉस क्या है, R1 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा V1 की जगह IR1, जबकि धारा आपका एक जैसा है तो धारा I ही रहेगा। V2 की जगह आप क्या लिखेंगे, IR2 लिख सकते हैं। V3 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, IR3 लिख सकते हैं। तो चलिए इसको लिखते हैं, देखिए V बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पे IR लिखेंगे, IR बराबर V1 की जगह क्या हो जाएगा, IR1 हो जाएगा। V2 की जगह क्या लिखेंगे, IR2 लिखेंगे। V3 की जगह क्या लिखेंगे, IR3 लिखेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे IR जो होगा, इन सब में क्या काम आना है आपका, आई देख रहा है ना, देखिए आई यहाँ पे है, आई यहाँ पे, आई यहाँ पे, सभी में आपका आई है, यहाँ से आई कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बचेगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक। देखिए ये आई से ये आई कट जाता है, ठीक है, गुणा में तो कट जाएगा, यहाँ आर बराबर क्या हो जाएगा आपका R1 R2 और R3, और यही क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध होगा, या इसी कुल प्रतिरोध को तुल्य प्रतिरोध भी बोलते हैं। तो जो यहाँ पे R आ रहा है, इसका मतलब हो गया कि कुल प्रतिरोध, इस परिपथ का कुल प्रतिरोध बोलेंगे, या इसी को क्या बोलते हैं, कुल प्रतिरोध कहेंगे, या इसे ही तुल्य प्रतिरोध भी कहते हैं, तुल्य प्रतिरोध। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, तुल्य प्रतिरोध लिखिएगा, तो कुल प्रतिरोध बराबर तुल्य प्रतिरोध, यानी कि कुल प्रतिरोध को ही तुल्य प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है तीन ही प्रतिरोध लेंगे, तीन प्रतिरोध के जगह चार प्रतिरोध, पांच प्रतिरोध, यन प्रतिरोध भी ले सकते हैं। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 R6 R7 करके लिखा जा सकता है, मतलब जितना प्रतिरोध रहेगा सभी को क्या कर लेंगे आप, जोड़ लेंगे। तो ये था आपका श्रेणी क्रम में कैसे प्रतिरोध को आपको जोड़ना है, आपको जोड़ने का तरीका, कौन से टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है इसको बता दिया, तभी इसको याद रखिएगा, ये बोर्ड के एग्जाम में यहाँ से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। आपको ये फार्मूला कैसे सिद्ध करना है ये भी आपको बता चुके हैं। जैसे देखिए आपको कुछ एक आध दो सवाल बता देते हैं, चलिए देखिए इससे कैसे आप सवाल जैसे समझेंगे, चलिए यहाँ पे आपको सवाल बताते हैं, एक सवाल हल्का सा देख लीजिए केवल। देखिए जैसे आपको क्या दे देगा, ऐसे प्रतिरोध दे देगा, ठीक, ऐसे दो प्रतिरोध यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए ए है और ये बी है, और यहाँ पर मान लीजिए दो ओम का, देखिए ये ओम का सिंबल होता है, ये तीन ओम का ये सिंबल होता है, जब प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है। अब यहाँ पे देखिए कि ये जब दो ओम को आप जोड़े, ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, आपसे पूछेगा कुल प्रतिरोध क्या होगा, तो आप कुल प्रतिरोध आर बराबर क्या बताएंगे, 2 प्लस 3, 3 × 2 5 ओम हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया होगा। चलिए दो तीन और बता देते हैं आपको, देखिए इस तरह जोड़ेंगे, मान लीजिए आप ए नाम दे दिए, बी दे दिए, यहाँ पे मान लीजिए तीन ओम कर लिए, यहाँ पे 5 ओम, और यहाँ पे 2 ओम, यहाँ पे 1 ओम कर लिए, सभी प्रतिरोध को जोड़ लिए। जब ये जोड़ेंगे तो किस क्रम में है, देख के बताइए, देखिए एक क्रम में जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, एक लाइन में, जैसे देखिए ये कम्बिनेशन ही है, ये कम्बिनेशन में ये जुड़ा है, तो जब ये जुड़ा है आपका तो ये क्या है आपका, ये है श्रेणी क्रम में। अब जब श्रेणी क्रम में है तो इसका कुल प्रतिरोध सवाल कह देगा, कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, या कुल प्रतिरोध के अलावा आपसे क्या कह सकता है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध आर बराबर क्या हो जाएगा, सभी का योग, यानी 3 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 1। अब जोड़ लीजिए, 5 × 3 8 × 2 10 10 1 11, कितना हो जाएगा 11। हिंदी में चाहे तो ओम लिख लीजिएगा, या इसी ओम को क्या कहते हैं सिंबल में, इस तरह सिंबल में दिखाया जाता है। तो ये था आपका श्रेणी क्रम का तरीका, श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाता है आपको ये तरीका सिखा चुके हैं, समझ में आ गया होगा। तो आप
एक लाइक जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है। तो आपको देखिए इसको एकदम तैयार कर लीजिए। आपका नेक्स्ट वीडियो कुछ समय के बाद समांतर क्रम में प्रतिरोध को कैसे जोड़ना है वो भी आपको साथ में बता देंगे। आपका ये बोर्ड के एग्जाम में हर साल पूछता है, आप देखे होंगे पेपर, तो पेपर में ये जरूर पूछता है। ये नहीं पूछता है तो इससे संबंधित आपसे क्या पूछ लेता है, जैसे इस तरह सर्किट देकर आपको सवाल पूछ लेगा। साथ में ये नहीं देगा तो आपसे क्या पूछ लेता है बहुविकल्पी में कि श्रेणी क्रम में क्या समान होता है, तो श्रेणी क्रम में जो होता है आपका धारा समान होता है। श्रेणी क्रम में क्या अलग अलग होता है, तो आपका वोल्टेज अलग अलग होता है। ये पूरा श्रेणी क्रम से संबंधित आपका क्या था, टॉपिक था। अब देखिए श्रेणी क्रम का एक उदाहरण जैसे आपको बताना चाहे तो आप जैसे देखते होंगे दीपावली पे हो गया, ठीक है, जो आप झालर लगाते हैं, जो आप झालर लगाते हैं वो झालर क्या होता है, उसमें जो बत्ती जुड़े होते हैं वो सभी किस में जुड़े होते हैं, श्रेणी क्रम में ही होता है। समझ में आ गया ना, तो ये आपका श्रेणी क्रम का पूरा टॉपिक को एकदम तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा समांतर क्रम, और इसी तरह हम सिंपल भाषा में समझाएंगे आपको।